गुड मॉर्निंग क्लास फिर्स, वेलकम टू योर इंग्लिश लिटरेचर्स क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, ओके, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स फ्रॉम योर इंग्लिश लिटरेचर्स बुक। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 इज द कलरफुल गार्डन। द कलरफुल गार्डन मतलब रंग बिरंगा बगीचा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन देखते हैं क्या है। डू यू एवर नोटिस बर्ड्स इन योर नेबरहुड? हैव यू थॉट ऑफ बिल्डिंग अ गार्डन इन योर होम? क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है आपके आसपास, यानी नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस में आपने कभी बर्ड्स को नोटिस किया है, या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप अपने घर में ही एक गार्डन बनाएं? ओके, तो दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट द गार्डन एंड द बर्ड्स। ओके, Once there was a king who had a spectacular castle. Spectacular castle मतलब spectacular मतलब होता है बहुत ही wonderful चीज़ कोई, ठीक है। तो एक बार एक king था जिसके पास castle मतलब जो वो किला type या दुर्ग type कोई चीज़ बनाते हैं ना, ऊँची ऊँची महल के आसपास जो होते हैं ये, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वंस देयर वॉज अ किंग हु हैड अ स्पेक्टेक्युलर कैसल सराउंडेड बाय अ मैग्निफिशेंट गार्डन। यानी कि एक बार एक राजा था जिसके पास की एक वंडरफुल सा महल या कैसल या दुर्ग कुछ भी कह सकते हैं, उसके पास बहुत ही वंडरफुल कैसल था जो कि किससे, एक बहुत प्यारे गार्डन से घिरा हुआ था। चारों ओर उसके बहुत सुंदर गार्डन था। There live thousands of beautiful and charming birds in those gardens, turning the castle into a paradise. यानी कि वहाँ पर thousands of beautiful charming birds, बहुत हजारों की संख्या में बहुत खूबसूरत और प्यारी चिड़ियाँ रहती थीं, जो कि उन्होंने गार्डन को जो है, कैसल को जो है, एक पैराडाइज में, पैराडाइज मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जगह, जैसे कि हेवन, इट्स जस्ट लाइक हेवन, उन्होंने उसमें हेवन में उसको चेंज कर दिया था। किसको? पैराडाइज जो वो था, ये कैसल जो था, क्योंकि जब बहुत सारी चिड़ियाएं थी, बहुत खूबसूरत वहाँ का दृश्य रहता था, फ्लावर्स थे बगीचे में और चिड़ियाँ गाना गाती थी सुबह सुबह, तो ये सब सीन जो है इस जगह को ऐसा जैसे स्वर्ग का सा रूप देता था। There was only one thing that the king detested. लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ थी जो कि detested मतलब जिसको the king don't like, ठीक है। वहाँ पर एक ऐसी चीज़ थी जो the king did not like, that detested मतलब ना पसंद करना, ठीक है। तो वहाँ पर एक ऐसी चीज़ थी जो क्या था वो, it was a huge tree that had now become very broad at its base and occupied a lot of space. वहाँ पर एक, it was a very huge tree, बहुत ही बड़ा tree, huge मतलब very big, और जो कि अभी कैसा हो गया था, very broad, broad मतलब चौड़ाई में बहुत हो गया था वो, at its base, उसकी जो base था ना, base कहाँ होता है, जड़ होती है, जो सबसे निचला part होता है ना किसका, tree का, तो वो बहुत चौड़ा हो गया था, and occupied a lot of space. ऑक्यूपाइड मतलब जगह घेरना, है ना, लॉट ऑफ स्पेस, बहुत जगह वो ऑक्यूपाई करता था। इट स्टूड इन द सेंटर ऑफ द गार्डन एंड रुइंड इट्स ब्यूटी। ये जो था, कहाँ पर था, सेंटर ऑफ द गार्डन मतलब गार्डन के बीचों बीच था, और रुइंड मतलब बर्बाद करना, खराब करना, डिस्ट्रॉय करना, तो ये गार्डन की जो ब्यूटी थी उसको खराब करता था। दिस अपसेट द किंग सो मच, ये जो किंग को बहुत ही अपसेट करती थी ये चीज़, देन दैट ही फाइनली ऑर्डर्ड इट टू बी कट डाउन एंड रिप्लेस्ड विद अट्रैक्टिव गार्डन फाउंटेन्स। तो उसने क्या डिसाइड किया कि उसको फाइनली उसने ऑर्डर दिया कि इस ट्री को जो है कटवा दिया जाए और इसको रिप्लेस कर दिया जाए। रिप्लेस मतलब ट्री की जगह पर अट्रैक्टिव गार्डन फाउंटेन्स लगवा दिए जाए। फाउंटेन्स तो सबने देखे होंगे ना, पानी के जो फव्वारे होते हैं। अ फ्यू मंथ्स लेटर द किंग रियलाइज दैट, यानी कि कुछ महीनों बाद किंग ने क्या रियलाइज किया, किंग ने रियलाइज किया, देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स एंड बर्ड्स टू बी सीन इन द गार्डन। उसने क्या रियलाइज किया,
महसूस किया कि अब जो है मुश्किल से ही कोई जानवर या कोई बर्ड जो है वो गार्डन में दिखती हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम ही सेंट फॉर हिज मिनिस्टर्स एंड आस्क फॉर देयर ओपिनियन। यानी कि ओपिनियन की स्पेलिंग देखो, करेक्ट कर लेना। यानी कि उसने क्या किया, बिना टाइम वेस्ट किए अपने मिनिस्टर्स को भेजा उनकी राय जानने के लिए। ओपिनियन मतलब उनका क्या सजेशन है, क्या राय है। नो वन वॉज एबल टू सॉल्व द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। और कोई भी जो है समस्या की जड़ सुलझाने के लिए योग्य नहीं था। जड़ मतलब कि समस्या का कारण क्या था। सून अ बॉय प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द किंग। और जल्दी ही एक लड़के ने अपने आप को किंग के सामने प्रेजेंट किया। ही डिक्लेयर्ड, क्या डिक्लेयर किया उसने, ही डिक्लेयर्ड दैट ही कुड एक्सप्लेन वॉट हैड हैपन्ड। उसने क्या डिक्लेयर किया, क्या उसने घोषणा की कि मैं साबित कर सकता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या हुआ था। योर मैजेस्टी द एनिमल्स एंड द बर्ड एबंडेंट योर गार्डन्स बिकॉज यू कट डाउन द ह्यूज ट्री। कि उसने राजा से कहा कि आपके गार्डन में जो है बर्ड्स और एनिमल्स इसलिए नहीं आते क्योंकि आपने जो है बड़े ट्री को कट करवा दिया है। ठीक है, तो उसने क्या किया, क्या कहा। ही स्टार्टेड इलेबोरेटिंग हाउ द गार्डन्स बिग्स एनिमल्स फैड मोस्टली ऑन द लिटिल रोडेंट्स एंड बर्ड्स। उसने क्या इलेबोरेटिंग मतलब किसी भी चीज़ को डिटेल में बताना, डिटेल में डिस्क्राइब करना। उसने बताना शुरू किया कि कैसे जो है गार्डन्स बिग एनिमल्स फेड मोस्टली ऑन द लिटिल रोडेंट्स एंड बर्ड्स। कि जो गार्डन के बड़े जानवर थे वो क्या खाते थे, छोटे छोटे बर्ड्स को, रोडेंट्स को। रोडेंट्स क्या होता है, जो एक एक स्क्वायरल टाइप का एक ही वो होते हैं एनिमल्स होते हैं जो कि बिल वगैरह में रहते हैं। ठीक है, द बर्ड्स फेड देमसेल्फ ऑन स्मॉल ट्री। और जो बर्ड्स थी, स्मॉल इंसेक्ट्स, और जो बर्ड्स थी वो क्या खाती थी, स्मॉल इंसेक्ट्स यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, हुज नरिशमेंट वर द स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड फ्लावर्स दैट थ्राइव इन द गार्डन नाउ दैट द ट्री वॉज नो मोर। ठीक है, नाउ दैट द ट्री वॉज द नो मोर। क्योंकि अब ट्री ही जिंदा नहीं है, तो एनिमल्स हैड लॉस्ट देयर शेल्टर एंड देयर फूड। देखो सभी जो थे वो ट्री पे डिपेंड थे। ठीक है, जो छोटी बड़े एनिमल्स वगैरह थे वो बर्ड्स को खा जाते थे, ये छोटे एनिमल्स को। छोटे एनिमल्स किस पर डिपेंड थे, जो ट्री पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते थे उन पे डिपेंड थे। ठीक है, और जो फ्लावर्स वगैरह थे वो इसलिए ग्रो करते थे क्योंकि ट्री पर ही ट्री से नरिशमेंट मिलता था उनको। नाउ अब जब वो ट्री ही नहीं है, तो उन्होंने जो एनिमल्स ने अपना दे हैड लॉस्ट देयर शेल्टर, उन्होंने अपना शेल्टर यानी कि घर खो दिया और अपना खाना भी खो दिया। ठीक है, तो इसीलिए अब जानवर वहाँ क्यों आएंगे। तो इस चैप्टर में आज जो हमने स्टोरी आपको कराई है, इसको आप पूरा रीड करेंगे, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल सेंड यू द नोट्स ऑफ हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स। ओके, टिल देन यू हैव टू रीड द होल चैप्टर।